वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लास में। फ्रेंड्स अगर आप सभी भी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगर आप सभी भी इस वर्दी को पाना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी के लिए लाए हैं, जो कि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सारे प्रश्न दोस्तों कवर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण किया जा रहा है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम के लिए। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि किस स्थान पर फ्रेंड्स इसका निर्माण किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में इसका निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर टू कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने तहसीलों को 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया। दोस्तों हम बात करें 2011 की जनगणना के बारे में तो यहाँ से आप सभी के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कई बार एग्जाम में दोस्तों, और हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते 2011 की जनगणना का। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 342 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 342। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर थ्री कह रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली कल्चर लैब कहाँ स्थापित की गई थी, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली कल्चर क्लब की बात करें, क्लब आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो कि कल्चर क्लब दोस्तों पहली बार कहाँ पर दोस्तों स्थापित किया गया था। तो थ्री का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में पहली बार दोस्तों स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर फोर कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसकी वर्दी का रंग क्या होता है, यानी कि दोस्तों जो मध्य प्रदेश पुलिस में जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनका जो वर्दी का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर का ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला होता है। कैसा था फ्रेंड्स, गहरा कलर और नीला कलर का होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पुलिस से रिलेटेड है। और दोस्तों अभी जो आने वाला आप सभी के लिए हर एक प्रश्न होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा आप सभी। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव राव सिंधिया इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर सिक्स कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश सरकार में कि मध्य प्रदेश राज्य की लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल या संघ लोक सेवा आयोग, या ऑप्शन डी में है अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, इसका दोस्तों राज्यपाल करता है, ठीक ना, राज्यपाल के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर सेवन कह रहा है कि रानी अवंती बाई सागर परियोजना किस नदी पर है। 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि रानी अवंती बाई सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरगी नदी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर एट कह रहा है कि जबलपुर में स्थित मदन महल किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जबलपुर में स्थित मदन महल किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था।
तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा मदन शाह ने इस किला का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुरैना में स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 10, किन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश की कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी। करें कि किन बेतवा परियोजना, दोस्तों मध्य प्रदेश में एक किन बेतवा परियोजना लाया गया है जिसमें कि पूछा गया कि कितनी हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.50 लाख, इतना दोस्तों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किन बेतवा परियोजना से किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 11, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 12, करें कि ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, तो ओरिएंटल पेपर मिल की बात करें फ्रेंड्स कि ये पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शाहडोल में स्थित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए सारे प्रश्न इंपोर्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धोपकरण कारखाना नहीं है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का 14 नंबर, व्हेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। दोस्तों व्हेल की स्थापना की बात करें कि किस देश के सहयोग से हुई थी, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों व्हेल की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी का प्रश्न नंबर 15, मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस स्थान पर स्थित है। प्रश्न नंबर दोस्तों आपसे इससे 15 कह रहा है कि मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस स्थान पर स्थित है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, जीराबाद फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, ये प्रश्न आपसे से पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर में बनाई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड 17 नंबर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में इसकी स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 19 नंबर, शीर्ष जनजाति अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसका दोस्तों स्थापना कहाँ पर किया गया है, राइट आंसर हो जाए दोस्तों उपयुक्त में से सभी, महाराष्ट्र उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में दोस्तों इसका स्थापना किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन से खिलाड़ी हैं जो कि दोस्तों मुख्य रूप से हॉकी खेलते हैं प्रमुख रूप से, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सैयद जलालुद्दीन और लक्ष्मण शंकर, रूप सिंह और असलम शेर खां और समीर आदाद, ठीक है ना। अगला प्रश्न 21 नंबर, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर जी हो जाएंगी। 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सॉरी 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरला ग्रेवाल।
ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस तिथि को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 25 सितंबर को। अगला प्रश्न 23 नंबर, मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन का सी, 38.5% हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना का प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ दोस्तों अप्रैल 2008 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, मध्य प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे देश का 10वां और मध्य प्रदेश का प्रथम जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए आपसे हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी, वहाँ पर एक MP पुलिस से दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जहाँ पर आप सभी के लिए 10 साल पुराना प्रीवियस इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो वहाँ पर अपलोड किया गया है। जाकर के आपसे अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो चला तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।